हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों की गाड़ी के जो मीटर ये टंकी के ऊपर ये मीटर होता है और ये मीटर में जो है आपका ये इंडिकेशन नहीं आते हैं, तो आप लोग इसे कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं, सब कुछ मैं डिटेल बाय डिटेल वीडियो में बताऊंगा। इस तरह की एक वीडियो किसी ने नहीं बताई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें कितनी चीज़ें जो हैं, इसमें कितनी चीज़ें काम कर रही हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर जलाइए भैया, इंडिकेटर जला के दिखाइए। ये देखिए, इंडिकेटर की सप्लाई आ रही है। ये देखिए, इंडिकेटर जल रहा है और बैटरी भी जल रहा है, लाइट वाइट सब कुछ जल रही है, लेकिन न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है। न्यूट्रल है गाड़ी, फिर भी न्यूट्रल लाइट नहीं जल रही है। तो फ्रेंड, कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे से निकलती है न्यूट्रल वाली वायर। इसको कैसे चेक करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सिंपल सा आपको क्या करना है कि ये वाली सॉकेट है, ये वाली सॉकेट को क्या करना है, न्यूट्रल चेक करना है। न्यूट्रल कैसे चेक करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सॉकेट ये हम निकाल लेते हैं। तो मैग्नेट हम नहीं ओपन करेंगे, मैग्नेट के ही अंदर से ये न्यूट्रल वाली वायर आई हुई है। ठीक फ्रेंड, तो ये वाली जो वायर होती है, ये वाली, इस वायर पे आपको करंट चेक करना है बीप पे। ये मैंने मल्टीमीटर बीप पे लगा रखा है और इस पे मैं चेक करूंगा। ठीक फ्रेंड, तो चलिए चेक करते हैं। इसमें चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से एक वायर लगानी है यहाँ पे और एक वायर जो है कहीं भी आपको लगा देनी है। एक वायर जो है आपको कहीं भी लगा देनी है, इस तरीके से मैं यहाँ ही अर्थ दे दूंगा। तो अगर इसमें ये स्विच काम कर रहा होगा तो इसमें टी की आवाज आएगी। पास में सुना दीजिए इसमें, ये देखिए बजर से टी टी की आवाज आ रही है। ठीक फ्रेंड, अगर खराब होगा तो इसमें से टी टी की आवाज नहीं आएगी। एक बार मैं गियर डाल के भी आपको दिखा देता हूँ। ये गियर हमने लगा दिया और गियर लगाने के बाद यहाँ छुआएंगे तो आवाज नहीं आएगी। ये देखिए, कोई आवाज नहीं आ रही है। पास से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर से मैं न्यूट्रल करूंगा, ये मैंने न्यूट्रल किया और न्यूट्रल करने के बाद अब मैं यहाँ पे टच करूंगा तो ये देखिए बजर की आवाज आ रही है। बजर की भी आवाज आएगी और रीडिंग भी कुछ रेंज बताएगी, जैसे 10 की रेंज में, 10 की रेंज 10 11 12 इस तरीके से रेंज बताएगी। ठीक फ्रेंड, तो अगर मान लीजिए यहाँ से प्रॉब्लम होती तो कोई रीडिंग नहीं बताती, कोई बजर नहीं बताता न्यूट्रल पे। ठीक फ्रेंड, तो चलिए इसकी हम सॉकेट लगा देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ से क्लियर हो गई है। यहाँ से जो सप्लाई है वो हमको चेक करना है। तो सप्लाई कहाँ चेक करेंगे कि हमारी जो गाड़ी से वायरिंग बीच से क्रैक तो नहीं है, बीच से टूटी तो नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा ये सॉकेट। ये वाली सॉकेट जो होती है, ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें जुड़ी हुई है, इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो यही सॉकेट हम निकाल लेंगे और इसमें से ये वाली वायर जो है आपको सेम कलर कोड देखना है, ये वाला कलर कोड देखना है। ये वाली वायर रेड के बगल में जो वायर है, इसमें आपको बीप पे लगा करके चेक करना है। तो एक कनेक्शन में यहाँ पे लगाऊंगा इस तरीके से, ये इस कलर कोड पे, यही वाले न्यूट्रल वाले कलर कोड पे, ये वाले पे। ठीक फ्रेंड, इस तरीके लगा दिया। और एक वहीं पे लगाना है जहाँ मैग्नेट वाली जगह पे, जहाँ पे मैग्नेट जो हमने लगाया था वायरिंग साइड में उधर। ठीक फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे लगाएंगे। अगर वायरिंग सही होगी तो हमारा ये है आवाज करेगा। ये देखिए आवाज कर रहा है, वायरिंग हमारी सप्लाई बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आवाज कर रहा है। एक यहाँ पे लगा देना है, एक यहाँ पे वायरिंग की तरफ से लगा देना है। ठीक फ्रेंड, और कलर यही रहेगा जो हमने बता रखा है, इस पे रहेगा। ठीक फ्रेंड, देखिए बीप की आवाज आ रही। ठीक फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी वायरिंग जो है वहां से यहाँ तक आई है, कम्प्लीट है। अब हमको चेक करना है इसके यहाँ से यहाँ तक की वायरिंग। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की वायरिंग चेक करते हैं। इस तरीके से पकड़िए भैया, तो फ्रेंड इससे फिर यहाँ से हम लोग ये वाले इधर से ये जो कलर कोडिंग है, ये वाली कलर कोडिंग यहाँ कनेक्ट करेंगे और जो है यहाँ से इसमें करेंगे। फिर भी बीप की आवाज आएगी, ये देखिए बीप की आवाज आ रही है। पास से आपको सुना देते हैं, ठीक फ्रेंड। तो हमें पता चल गया कि यहाँ से वहां तक की सारी वायरिंग के कनेक्शन सही है। तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, इसमें प्रॉब्लम जो है न्यूट्रल नहीं जला रही है, इसकी प्रॉब्लम है एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक मिनट में आपको,
सारे कनेक्शन कर लेते हैं पहले। सारे कनेक्शन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बल्ब, ये देखिए इस तरीके के बल्ब होते हैं। ये देखिए एवेंजर बाइकों में अगर मीटर में आपको बल्ब जलाना है तो इस तरीके के बल्ब होते हैं। ये देखिए मेरे पास है, और ये देखिए एक बल्ब मैं लाया हूँ। ये 10 पीस का होता है, एक पीस 10 रुपए का पड़ता है। ठीक फ्रेंड, तो ये बल्ब होता है, ये बल्ब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये अगर सीधा कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक फ्रेंड, और इसको आप यहाँ पे इस तरीके से फिट कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें न्यूट्रल। ये देखिए अब इसमें न्यूट्रल वाली जो लाइट जलने लगी है। पहले क्या हो रहा था, न्यूट्रल वाली लाइट नहीं जल रही थी, इसमें क्या था बल्ब की प्रॉब्लम थी। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करते वीडियो और जानकारी अच्छी लगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।